हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई मिस यू मेरे दोस्त। आशा करता हूँ तुम तो लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए और मज़े में हो गए। वापस आ चुके हैं हम दूसरे एपिसोड में जहाँ से हमने खत्म करा था। तो इस एपिसोड में मैं ट्राई करूँगा कि बहुत सी चीज़ें को हम अपग्रेड करें, लाइक पेस को अपग्रेड करें और कुछ ना कुछ टाइम को टेम करें। और मैंने इसमें कुछ मोड्स वगैरह नए डाले हुए हैं, लाइक स्टेटस वगैरह आप देख रहे हो, मुझे चेहरा सा नया तरीके से इसमें दिख रहा है। तो ये मैंने मोड डाला है स्टेट बार का, एंड कुछ और डाले हैं लाइक सिंपल बेड वगैरह। सिंपल बेड नहीं यार, कुछ और कहते हैं उसको, स्लीपेबल बेड समथिंग करके। तो उसमें क्या होगा कि हमें ऑप्शन दिखेगा कि हम सो सकते हैं। ऐसे आप आर्क पीसी में शायद सो नहीं सकते, सोने का ऑप्शन नहीं आता है। सो जाओगे लेकिन दिन नहीं होगा, मतलब रात बीतेगी नहीं, बट इस वाले मोड से बीत सकती है। और कुछ और ही मोड्स मैंने डाले हैं बढ़िया वाले, SSK एंड पोषण वाले, और भी कुछ कुछ डाले हैं। और एक ये भी डाला है, क्या कहते हैं इसको, लूट ड्रॉप का। इससे क्या होगा कि हमें ज़बरदस्त लूट मिलेगी एंड बढ़िया क्वालिटी वाले लूट मिलेंगी, बढ़िया वाले BP मिलेंगे, असेंडेंट वाले। ये मैंने सोचा कि डालूँ। और ऊपर में आप देख सकते हैं, अच्छा ये मैंने बेटर मैप डाल दिया, मुझे ये नहीं डालना था। हाँ अभी हो गया ना बढ़िया। उस वाले मैप में क्या दिक्कत है ना कि वो थोड़ा सा स्क्रीन को कवर कर लेता है, भद्दा सा सकता है वो। इसमें ये सही है। और इसमें मैंने एक ये मोड डाला है जिसमें कि लोकेशन आपको पता चले मैप का। तो बेटर मैप वाला मैंने यही डाला था जिससे कि ये लोकेशन पता चले, पर पता नहीं वो दूसरा वाला था। तो मुझे कुछ किसी डाइनो को स्टार्टिंग में मारना पड़ेगा जिससे कि मुझे थोड़ी सी हाइड मिल सके, ताकि मैं बेड और बाकी के इक्विपमेंट्स बना सकूँ। तो मैं कुछ ढूंढ लेता हूँ, एंड बेड रहेगा तो हम स्पॉन भी ले पाएंगे अपने बेड पे, लाइक अपने बेस पे। मुझे डर ही लग रहा है यार, इधर से चलता हूँ। पैरासोर को मारने की कोशिश करेंगे, एंड इसको अगर मार दिया तो अच्छे क्वांटिटी में हमें हाड़ी मिलेगा। तो देखते हैं, तो ऐसा इसका लेवल पता नहीं चलेगा, 24 लेवल है। स्पीयर लेता हूँ मैं, एंड स्पीयर से मारेंगे। मर जा भाई, रात भी होने वाली है। और टॉर्च मैंने लिया नहीं लिया? कहाँ गया यार? ओ भाई रुक जा जरा, मर जाइए यार, मर जाओ अभी, उसको मत लग जाना, दबा दौड़ा के मारेगा। अभी अभी सही है, अभी दिख रहा है हमें। और रात में शिकार कर रहा हूँ मैं, शिकार तो करना पड़ेगा भाई, तेरे हाइट की जरूरत है। मैं बताओ मेरा हाथ ये टूट गया, मुझे लगा ये मर गया अभी पैरासोर। अबे रुक जा यार, इसको ब्लीडिंग तो हो रही है बट ये मर नहीं रहा। आजा आजा नीचे, आजा नीचे, आजा फंस जा फंस जा। ओ भाई मर गया। अपने को चाहिए हाइट और मीट दोनों, निकालते हैं 24-30। और रात में हो सकता है कि ठंड भी लगे, तो हमें उससे ही बचना पड़ेगा। हो गया तेरा लेवल भी अप हो गया अपना, तो क्या करें, वाटर पे डालते हैं एक लेवल, एंड इसको करते हैं। टॉर्च नहीं बनाया मैंने, टॉर्च बनाना था यार, पिंट वुड सारी चीज़ें चाहिए। और दिक्कत यह है कि रात होने वाली है, रात होने वाली है। गर्म यार, प्यास लगी अपने को, पानी पीना पड़ेगा। और रात के टाइम में अगर उसने दबोच लिया ना, सब कुछ चला जाएगा अपना। ये कहाँ से आ रहा है यार, ये लूट, कितना टाइम लग रहा है इसको आने में भाई। यार खाना भी नहीं है अपने पास, पानी भी नहीं है, स्टेमिना भी ड्रेन हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मर ही जाऊँ लेकिन बेस बना के मरूँ। और पैरासोर, मुझे लगता है मैं भटक गया हूँ क्योंकि मैं इधर तो था नहीं, और अपने पास टॉर्च भी नहीं है यार। इधर कहीं पे पेड़ है क्या? पेड़ हम थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर पाए, दिख तो रहा है बट दूर दिख रहा है मुझे। प्यास, भूख, ठंड सब लग रही है। बताओ कभी होता है कि इतनी गर्मी लगती है और रात में इतनी ठंड लग रही है यहाँ पे। वुड तो हो गया, थोड़ा सा स्टोन वगैरह कलेक्ट करते हैं ताकि रात के टाइम में टॉर्च बना सके। ये चीज़ें हो गई, बन जाए जल्दी से। लोकेशन तभी पता चलेगी हमें कि हमें कहाँ जाना है। वैसे तो घंटा पता नहीं चलने वाला है। और खाना के लिए मेरे पास, खाने के लिए कुछ बेरीज हैं 4, तो ये मैं खा लेता हूँ। एंड ये जला लिया टॉर्च, अभी तो टॉर्च छोड़ ही दो, बस कैसे ही बेस पहुँच जाऊँ मैं, अपना सामान ये हाइड वगैरह रख दूँ। और मैंने इसमें कीप इन्वेंट्री भी डाला हुआ है यार, मैं तो भूल ही गया था। कीप इन्वेंट्री डालने से ये होगा कि आपके सामान आपके पास ही रहेंगे, आप उसको खोओगे नहीं, लाइक मरने के बाद वो खोएंगे नहीं। भाई मेरा बेस दिख रहा है,
जैप के फेस ना इधर ही कहीं पे था आई थिंक, नहीं है इधर। और ये रहा पानी, मैं जरा सा पानी पी के आ ही जाता हूँ। ओ भाई हड्डी टूट गई अपनी, घर की तरफ चलो, घर के जितने पास हो सकता है उतना जाऊँगा मैं। इधर ही कहीं बेस होगा अपना। ये मैप भी मेरे लिए नया है ना, तो मुझे लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, और ऊपर से इसमें हर लोकेशन एक जैसा ही दिखता है। अगर आप ऐसे नॉर्मली देखो तो सारा वीरान पड़ा हुआ है। कुछ टाइम रूनो तो टेम करना पड़ेगा इसमें, खतरनाक वाला, तभी हम उसमें कुछ स्टेबल हो पाए। ये इधर आ गया, तभी हम इसमें स्टेबल हो पाएंगे, तो घंटा स्टेबल नहीं हो सकता इसमें। लो मर भी गया। और मुद्दे की बात यह है कि अपने पास इसमें मैप ये नहीं है ना, बेड स्पॉन ऐसे ले नहीं सकते हैं, तो बस उस टाइम पे मैंने कहा लिया था स्पॉन, इधर तो लिया नहीं था, इधर भी नहीं लिया था, नहीं हार्ड पे नहीं लिया था, मीडियम पे देखते हैं कहीं पे, इधर इधर, हाँ इधर इधर ही लेते हैं स्पॉन। तो मैं मरा हूँ यहाँ पे 60 के लाइन पे, यहाँ पे इधर ही चलेंगे। मुद्दा ये रात का टाइम है ना, डाइनो दिखेगा खतरनाक वाला तो भाई सामने ये है, और ना ही कुछ और दिखेगा। रात ठंड अलग से लग रही है। तो मुझे इधर जाना है। और देखो मैंने बोला था ना इन्वेंटरी रहेगा अपना, इन्वेंटरी अपने पास ही, आईडी वगैरह सब कुछ रहेगा, खाना वगैरह भी लेना पड़ेगा यार, खाना तो चलेगा, पानी की दिक्कत है। वैसे ठंड लग रही है तो पानी भी ज़्यादा कुछ यूज नहीं होने वाला है। चलते 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 चल मेरे भाई, ग्रीन वाले के पास अपना बेस था, वही है ग्रीन वाला, ग्रीन वो भी नहीं, ग्रीन ड्रॉप आई थिंक, ग्रीन ड्रॉप वही है, देखने से दूर से यही लग रहा है। 60 का लाइन, ठीक है चल भाई, मैप छोड़, दौड़ के चलते हैं, कूदी मारते हुए चलते हैं, निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, बेस पहुँचना है और दिन हो जाए बस। अगर मैंने बेड बना लिया होता तो शायद, अच्छा ये तो रहा ग्रीन ड्रॉप, मुझे लगता है ये वही वाला ग्रीन ड्रॉप है, देखता हूँ ये आया है या नहीं आया है, आया होगा तो इसको लूट भी लेंगे, ऐसे कुछ अच्छा सा मिल जाए, पानी का जुगाड़ दे दो लूट भैया, ड्रॉप भैया, वो तो रहा बेस ना, ओपी भाई ओपी, इस ड्रॉप की वजह से हम आसानी से ढूंढ पाए हैं। स्टेमिना गेन हो जा रहा, जल्दी हो ही नहीं रहा यार, ड्रॉप आया नहीं है अभी, पता नहीं कितना टाइम लगा यार, बहुत टाइम लग रहा है अभी तो आया भी नहीं, ठंड लग रही है भाई भाई भाई, घर के अंदर चलते हैं, निपट जाते हैं। कितना बेरीज खाओगे, बेरीज खा के क्या ही होता, इसको लगा लेते हैं इधर, मुझे नहीं लग रहा ये सेफ है, क्योंकि नॉर्मल बेस है ना, टेम्परेचर भी आएगा तो आई थिंक तोड़ ही देगा इसको। और रुको मैं सो के देखता हूँ, 11 बिट, अबे सो क्या, सुबह हो गया, घंटा सुबह नहीं हुआ यार हुआ क्या ये फिर, 11 बिट, लेट मी चेक, मैंने ओपन कौन सा किया हुआ है, ये मैंने कुछ मोड्स डाले हैं ना उसकी वजह से, ये वाला अगर हमने बना लिया भाई हेडशॉट, इसके लिए 5 मेटल चाहिए, तो भाई ज़बरदस्त हम मतलब वो कर पाएंगे, फार्म कर पाएंगे। और अपग्रेड स्टेशन में अपने को बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट स्टेशन ऐड करके समथिंग समथिंग, ये मैंने कभी किया नहीं है, मैंने उतना कभी खेला नहीं है, तो इसका मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हम करेंगे। इससे क्या होता है कि हम इसका या फिर अपने किसी भी इक्विपमेंट का इनका इनको क्या कहते हैं यार उसको, मतलब हाई लेवल के कर सकते हैं इनको, और सुपर पावर जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये सारी बहुत बढ़िया चीज़ है, तो ये सब कुछ हम ऐड करेंगे। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब स्क्वाड में मेरे लिए तो हार्ड है यार, बहुत ज़्यादा हार्ड, द आइलैंड का मुझे सब कुछ चप्पा चप्पा याद है, कौन से डाइनोस कहाँ मिल सकते हैं ये भी सब कुछ पता है, तो मेरे थोड़ा ज़रा सा आसान हो जाता है। मैप ये बेड कौन सा खोला था मैंने, वो तो चेक किया नहीं मैंने, चेक कर लेता हूँ, सिंपल बेड है, और ये कौन सा है, ऐसे सिंपल बेड, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉम्फी बेड, अच्छा ये सीट टेबल वाला है, ओके, और मैं उसको बना के सोने जा रहा था, बताओ ऐसे कैसे चलेगा, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ भाई, हेयर चाहिए, वूल चाहिए या पेल्ट चाहिए, कहाँ से लाऊँ मैं स्टार्टिंग में, किसके चुड़ैल के बाल नोचने जाऊँ,
कहाँ से लाऊं मैं बाल? इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा बाबू मुझे, स्टार्टिंग में कहाँ बोल मिलेगा। तुम भी क्या बाबा सीख दे दिया यार तुम। चलो इसको कर देते हैं। एंड ये बताओ यार, मैंने एक बनाया हुआ था, दो बना लिए मैंने गलती से। हाँ ये लग का ओके। एक को इस साइड लगा लेंगे और एक को इसलिए इस साइड लगाएंगे ताकि अगर उधर से हमारा कोई बेट नहीं मतलब बेस तोड़ रहा है तो इधर का सेफ रहेगा। छोड़ो इसको तो बाद में हम अपग्रेड करने ही वाले हैं तो टेंशन नहीं लेना है। वो डाल देते हैं एंड इधर इधर नहीं ये भी डाल देते हैं इधर ये भी डाल देते हैं ये एंड कुछ बेरीज डाल दूँ कभी इमरजेंसी भूख वगैरह लग गई तो फिर तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इधर भी 23 है मेरे पास तो गौर ही नहीं किया। ये क्या चीज़ है यार, ड्रैगन वेगाबॉन्ड सैडल स्किन। इसमें ड्रैगन होते या नहीं होते हैं? और नहीं पता नहीं इस वाले में ड्रैगन होते या नहीं इस कॉस्ट में, क्योंकि फॉल्डूर और इनमें तो होता है क्रिस्टल वगैरह में बढ़ाते हैं। एंड हमें कुछ फार्म वगैरह करने जाना होगा। और ये दुबई से आ रहा है क्या यार, बहुत टाइम हो गया बताओ। ये ड्रॉप है या मेरा बैग है? गजब बेइज्जती है। ये मेरा बैग है यार, कहाँ से आएगा इसमें बताओ। मैं इसमें मतलब वेट कर रहा हूँ कि इसमें लूट आएगा बताओ। उस वाले को लूट के आएंगे कहीं आसपास में जो होगा ड्रॉप उसको लूट के आएंगे, क्या कहते हो? चलो चलते हैं। वैसे मुझे पानी ले लेना होगा क्योंकि अगर मैंने पानी नहीं लिया तो थोड़ी ही देर के बाद मुझे प्यास लगेगी और मैं प्यास से निपट जाऊँगा। तो अपने भाई साहब कहाँ पे हैं? भाई साहब तो दिख नहीं रहे। चलो 8-9 भर गया, लग तो रहा है कि भर गया, बस भर गया हो। भाई साहब तो दिख नहीं रहे, उधर ही चलूँ क्या मैं? लेकिन भाई इधर दूसरा वाला होगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा वो मुझे खा जाएगा। रुको मैं जरा एक बार चेक कर लूँ मैं बस, मतलब पानी है तो इसमें। एक को इधर हटाते हैं, पानी है या नहीं है यार इसमें? वाटर बताओ, 100x1 दिखा रहा है। अबे भर जाया करो वो तो, वो मार डालेगा मुझे भाई। भर जाए यार, वो आ जाएगा। कैसे भरेगा यार ये? ऐसे ही तो भरता है मतलब, यहाँ से आया तो मतलब कंज्यूम का नहीं आता है, फिल वगैरह का आता है पता है। मतलब थोड़े से पे मैं खड़ा रहूँगा तब भरेगा ये। कंज्यूम ऐसे ही भरेगा ये। चलो और अभी इसको लगा देते हैं यहाँ पे हॉट बार पे। ये सही है गुरु। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो गया था बट चलता है, चलता है गुरु। चलो चलते हैं ड्रॉप के पास। एंड रेड वाला ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त होता है बट वो रेड वाला ऑब्लिक्स है ड्रॉप। भाई क्यों डरा रहा है यार डॉइडिबुरस। ये पास में है ब्लू वाला, देखते हैं कुछ होपफुली कुछ अच्छा सा मिल जाए, ज़बरदस्त वाला चीज़। भाई मैं सोचा ये गड्ढा है अच्छा खासा, चढ़ नहीं सकते क्या यार? क्या ही मैप बना रखा है मतलब हार्ड वाला, ऐसे नॉर्मली चढ़ भी नहीं सकता इंसान। इसमें डाइनोडोन रहेगा तभी मज़ा आएगा, तब ज़बरदस्त वाला आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अरे ऐसे तो मतलब हर कदम कदम पे खौफ है, ऐसे लुढ़का के मारेंगे ना डाइनोश आपको स्टार्टिंग में, बाद में जब आप डाइनो वगैरह रख लोगे तब तो आप पीरो हो जाओगे। भाई मुझे मैंने खाना नहीं लिया यार और मेरा फूड लेवल जा रहा है। मुझे रुको मुझे थोड़ा कुछ बेरीज वगैरह लेना पड़ेगा, ये और मीट रख लेना चाहिए था अपने साथ और खा भी लेना चाहिए था। नहीं रखूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फूड नहीं रखूँगा तो कम से कम फूड और वाटर तो रखना ही चाहिए अपने पास। कुछ बेरीज वगैरह लगा लेते हैं इधर, नहीं जो ज़्यादा हैं उनको लगाते हैं। ये अबे भाई लग जा अगले लग जा 6। ऐसा करते हैं ये कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए यार, लाइक कंपाउंड वो हाई लेवल का मिल जाए, कंपाउंड कह रहा हूँ मैं, क्रॉस वो मिल जाए भाई। बस वो डाइनो ना हो यार कैप्रेचस,
भाई आवाज़ तो उसी आ रही है मुझे भाई, सच में आवाज़ आ रही है, कहीं से तो आवाज़ आई थी उसकी। वो देखो लाल रंग का दिखा, घंटा नहीं में जाने वाला है ऐसे, और वो वहाँ पे है इसका मतलब वो आ सकता है। भाई खौफ मेरे अंदर, खौफ का माहौल है, डर उबर डर डर से भरा हुआ। भाई वो लग रहा है इधर ही कहीं पे है, ऐसे मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पे? वो तो मेरा इंतजार ही कर रहा है यार, दिख ही नहीं रहा है वैसे वो, फिर गया कहाँ वो? तो मैं जरा जरा सा उधर जाता हूँ, फिर देखूँगा कि दिख रहा है या नहीं। चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, चढ़ गया। बस वो आए ना, दिख तो नहीं रहा है। वैसे भी हम लोग उठा लेंगे तो हम तो बेड पे रिस्पॉन ले ही सकते हैं, और अपना कुछ जाने वाला नहीं है, बट जिंदगी चली जाएगी। और उधर रैप्टर भैया खड़े हैं। ओ भाई बताओ, 30 लेवल चाहिए इसको ओपन करने के लिए, मैं इतना खतरा लेके आया हूँ खाने के लिए। और ये कह रहा है कि भैया आप उस लायक ही नहीं हो कि आप उठा सको, हमें खोल सको हमें लिटरली। भाई वो कहीं कुछ और तो नहीं था, लाइक उस वाले क्या था वो ब्लैक स्किन, उसके वजह से फिर कुछ ड्रम तो नहीं खुलता। रुको मुझे चेक करने दो, BLACK नहीं यार, उससे ऐसा तो है नहीं। स्किन ओके, ब्लैक स्किन इधर है। इसको बनाने के लिए 1600 हाइट चाहिए भाई, और ब्लैक कलर, और 30 वाटर स्किन भी चाहिए। वाह भाई स्कैम पे स्कैम हो रहा है हमारे साथ, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने कुछ है नहीं अपने पास, ये क्या है? मैं तो कह रहा था कि मुझे मेटल ढूंढने जाना पड़ेगा, बता रही तो मेटल लवारिश पड़ा हुआ है, इसको हम उठाते हैं एंड लेके चलते हैं। भाई यार ऐसे कैसे होगा बताओ, इतना ही कम मेटल मिल रहा है, और इस वाले तो कम मिलेगा यार, स्टोन वाले तो कम मिलेगा। हम इसको नहीं तोड़ेंगे, पता नहीं पानी में स्पॉन होगा कि नहीं होगा। और पाँच तो चाहिए हमको बाकी चीज़ों के लिए, और वाटर में बढ़ा लेता हूँ ठीक है। वाटर पर ज़्यादा डालना ठीक भी नहीं हुआ, लेवल का वेस्टेज हो जाएगा, लेकिन क्या ही करें। तो 24 से 12 तो हो जाएंगे, लेकिन हमें और चाहिए, और मैं डायरेक्ट बनाने वाला हूँ वो वाला पॉर्च, स्पेशल वाला। चलो और मैं बेस के अंदर में नहीं बनाऊँगा, बेस के बाहर में कहीं दूर पे, थोड़े से दूर पे बनाऊँगा, ताकि कोई अगर हमारा बेस तोड़ने भी आए तोड़ना सके। लाइक मैं कौन सा बनाने वाला हूँ, ये सुपर पॉर्च बनाऊँगा, एंड 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 ये वाला ओपन करते हैं, ये ओपन करते हैं, ऑसम टाइगर ये सब बाद में करेंगे। बताओ 20-20 इंग्राम ले रहा है यार ये, एंड ये है SS वाला, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल। तो SS वाला कैम फायर बनाना चाहिए था यार, ओपन करूँ क्या? हाँ 0 इंग्राम ले रहा है, फिर क्या दिक्कत बोला। तो इनको रहने देते हैं, एंड कैम फायर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हाइट चाहिए 65, जिसमें कि हमें हमारे पास 60 हाइट है, तो किसी का तो कत्ल करना पड़ेगा। ओ भाई ये जल रहा था यार, इसका हेल्थ कितना है दिखेगा नहीं ना, दिक्कत तो यही है। लेकिन एक चीज़ है कि हम इसको मार तो सकते हैं, बट इसने मुझे एक आग फटका दिया अगर, और इसने अगर हमारा बेस तोड़ दिया फिर दिक्कत हो जाएगी, बंद पंगा नहीं लेने का, वो भी स्टार्टिंग में। चलते हैं, खाना भी खाना पड़ेगा। और एक और मुझे वो दिख गया लाइक छोटा सा कुछ पैरासोल वगैरह, तो अपने हाइट का काम हो जाएगा। चलो फटाक से चलते हैं, एंड अगर आप, मैं तब तक कोई डाइनो ढूंढ रहा हूँ, तब तक से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, अभी तक नहीं करा हुआ, इधर भी मेटल है तो भाई लोग सपोर्ट किया करो, एंड मुझे खेलने में मज़ा आता है, इस वजह से भी मैं खेलता हूँ। ये आर्नियो है, डंग बीटल है कि क्या है? अच्छा ये उड़ने वाला है, तो आपके लिए भी मैं खेलता हूँ और ख़ुद के लिए भी खेलता हूँ, क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है खेलने में, तो जरा सपोर्ट करा करो।
एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो, और अगर अभी आप कुछ अपने तरफ से सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे दिया करो, प्यारे प्यारे से कमेंट अपनी कर दिया करो। लेवल इसका भी 12 है, बड़े लो लेवल के आ रहे हैं यार, वैसे हाई लेवल का रहता तो मैं इसको मार भी नहीं पाता। रुक जा फंस जा भाई, फंस जा। अबे रुक जा यार, इनके चक्कर में मैं मिल्खा सिंह बन जाऊंगा। जरा दौड़ाते हैं ये लोग, जरा रहम खा लिया करो भाई। प्यास लग गई, वाह भाई ऐसे कैसे चलेगा यार, इतनी प्यास लगती है तुमको। ये भगवान जी इधर पानी ला दो, इधर नदी बना दो नदी। पॉटी नहीं करना था भाई, हर जगह पॉटी नहीं करते, बात बात तो पॉटी कर देते हो तुम। ये रख लिया, ये रख लिया, कैच रख लिया, एंड स्मिथी बना लेते हैं। स्मिथी बना रहा हूँ भाई, ये नहीं चेक कर रहा हूँ मैं कि स्मिथी हमारा ओपन भी हो सकता है या नहीं। स्मिथी कितने पे होगा बताओ, अभी तो अपना लेवल ही कम है, तो अभी भाई आई डोंट थिंक कि स्मिथी हम खोल सकते हैं। यहाँ पे स्मिथी खुलेगा 20 पे, और अभी अपना लेवल है बहुत कम। कितना लेवल है अपना, अभी अपना लेवल है 13, तो अभी स्मिथी खोलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम है। बट मैं ये बना लेता हूँ, ये वाला बना लेंगे एंड फेंस फाउंडेशन बना लेंगे। मोटर पीसल भी मैं बना ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब ये बनाना होगा क्या कहते हैं नार्को वाला, एंड इसको बनाने से अच्छा है मैं दूसरा वाला बना लूँ। एक और एरो होता है वो मैंने शायद डाला नहीं है मोड, वो अच्छा होता है यार, वो हाई लेवल का मतलब बढ़िया वाला तौर पर चढ़ाता है वो। देखते हैं, एक लेवल और मिला है हमें इसको, तो भाई वाटर में डालने वाला नहीं हो, स्टैमिना पर डालते हैं इसको। स्टैमिना भी हमारी कभी कभी कम पड़ जा रही है, इसे हम प्लेस कर लेते हैं। इसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया इधर प्लेस। एंड कुछ चीज़ें हैं लाइक, इसको मैं बेस में नहीं प्लेस करने वाला हूँ। फेंस फाउंडेशन खोलते हैं, फेंस फाउंडेशन भाई इधर हो, आ जाओ। इसको बना के इस इधर बाहर लगा लेंगे, एंड हमें एक फ्रिज भी बना लेना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में हम अगर मीट रखेंगे स्पॉइल्ड मीट तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। एंड मैं इसको लगाता हूँ क्योंकि शायद से ये जल्दी जल्दी खाना पकाएगा, और इसको बेस के अंदर लगा लेंगे, इससे क्या होगा गर्मी बनी रहेगी बेस के अंदर में। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनको मैं उधर रखूँगा, तो भाई जल के बार बार मैं दिक्कत में आता जाऊँगा, तो इधर लगाते हैं इसको, इधर लगा लेते हैं। एंड इसमें डाल देंगे 50 के करीब वुड, ये डाल दिया, ऑन कर दिया, एंड लेकर आते हैं। अपनी बॉडी को मैं वहीं पर रखने वाला हूँ, उससे क्या होगा कि हमें अपना लोकेशन पता चलता रहेगा बेस का, जहाँ यहाँ पे लोकेशन है। मैप में तो पता नहीं पता चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें देखते हैं कि किस तरीके से पकता है, लाइक ज़्यादा टाइम लेता है या फिर कम टाइम में हो जाता है, ये देखने वाली बात है, देखेंगे हम। एंड तब तक हम क्या करते हैं, ये लगा लेते हैं, ये मैं वॉल लेके पता नहीं क्यों घूम रहा हूँ, बताओ इधर ही कहीं पर लगा लेते हैं। ये हो गया, ये ऐसे भी लग सकता है क्या, तो इस फालतू में बना रहा था यार, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे। एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम अभी बना सकते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं बन रहा है, वैसे हमने इसको ओपन करके रखा हुआ है, और इसके अंदर कहाँ से बनेगा यार, इसके अंदर तो पिघलता है भाई, भी क्या ही बातें कर रहा हूँ। इधर डाल दिया इसको, मेटल डाल दिया, एंड इसको पिघलने के लिए ऑन कर देते हैं। अब देखो इस जल्द थोड़ा जल्दी जल्दी पिघलेगा, नॉर्मल वाले की तुलना में ये थोड़ा जल्दी काम करता है और जल्दी जल्दी पिघलाता है। इसे हम फ्यूल वगैरह बाद में बना सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी स्मिथी का नॉर्मल यूज होता है वो सब कुछ इसमें हो सकता है, और जल्दी जल्दी हो सकता है। अभी मैं इस पर लेवल क्या किस पर डालूँ, मूवमेंट स्पीड पर डाल रहा हूँ। देख एक बार में 20 हुआ यार, ये मुझे पता नहीं था कि एक बार में 20 होता है, मतलब मैंने एक बार देखा था बट मुझे याद नहीं था।
सही है भाई, सही है सही है। बस अपनी स्मृति खोलना है हमें, और एक्सप्लोर नोट या फिर ये चीज़ें हमें खोलनी होगी, और बाकी की चीज़ें लाइक हम इसमें ये डाल देते हैं, जिसकी दिन में चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो इसमें डाल देते हैं। जस्ट देन सही है, सही है, सही है भाई। ओके, और वहीं पर दूसरा वाला भी है उसका टीममेट, तो अभी दोनों मिलके भागेंगे। ऐसा ये मारते नहीं है लगता है। नहीं यार मार रहा है वो देखो मार रहा है उसको। चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा सा हाइड वगैरह मिल जाएगा। वैसे दो दो बंदे हैं वो, बट ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लाइक उनको डैमेज पड़ चुकी होगी। और देखो ये कल तो एक तो लाल हो चुका है, रैप्टर लाल हो चुका है या बुल लाल हो चुका है, मुझे यहाँ पे हाइड ले लेना चाहिए था भाई। खत्म खत्म खत्म, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो भाई। मुझे लगा मैं इनको मार पाऊंगा, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि मैं इनको मार पाऊंगा। पानी अपना खत्म होने लगा है, एंड मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, लाइक इसके बारे में एक्सप्लोर किया था कि भाई स्कॉश मैप में कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं, एंड क्या क्या सिस्टम है इसका। तो इसके अंदर एक वाटर का वेन टाइप का होता है, वो रैंडम किसी किसी जगह पे होता है शायद से, तो उन जगहों पे पानी खुद से आता है, कुएं टाइप का रहता है कह सकते हो आप। देखो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी भी ख़त्म हो रहा है। ओके यही तो, इसी की तो मैं बात कर रहा था यार। और ये अपने बेस से बहुत ज़रा से दूर है, तो अपने बेस को यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे कहीं पे। कौन उतना दूर जाएगा, बार बार पानी लेगा, या फिर हम पाइपलाइन बना लेंगे यहाँ का, ज़मीन भी अच्छा है। ओके देख लो, सब सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें, मैंने सारा कुछ ही उठा लिया, लाइक फिश वगैरह वाला सिस्टम भी सही है। एंड ये क्या है, क्रिएटेड बाई ग्राइंडिंग साल्ट विथ सल्फर मोर्टार एंड प्रिजर्विंग साल्ट है ये, पता नहीं इसका क्या यूज है, फिलहाल तो इसका यूज नहीं पता मुझे। एंड ये सिल्क होगा, हाँ ये सिल्क है। एंड बॉक्स को ड्रॉप कर देते हैं, बॉक्स की जरूरत नहीं है हमें, जो उनका वेट बढ़ाएगा ये। पांच को ये इधर रख लेते हैं, ये एस प्लस वाला है क्या, ये एस प्लस वाला है मुझे लग रहा है शायद से, ड्रॉप कर देते हैं इसको। पाँच इनफ है, ज़्यादा उठाएंगे तो वेट हमारा हैवी हो जाएगा और फिर हम चलने में हमें दिक्कत होगी। पानी भाई बहुत स्लो, मतलब बहुत कम टिक पा रहा है अपना, इसका लेवल 8 है। मुझे लगता है मुझे डिफ़िकल्टी और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाइनो थोड़े कम लेवल के आ रहे हैं। वैसे 60 लेवल का रैप्टर तो था, तो आई थिंक 150 का भी आ ही सकता है। गेम में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ना कोई डाइनो टेम कर पा रहा हूँ भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ जाओ वहाँ। अच्छा वो रहा ब्लू वाला, फिलहाल चलते हैं येलो वाले पे ही, क्योंकि ये पास में है एंड स्टेमिना भी बहुत स्लो बढ़ रहा है। बस एक चीज़ इसमें अच्छा खासा हो रहा है, वो हो रहा है वाटर ड्रेन, और कुछ खास नहीं हो रहा। ये क्या है, डोडो? नहीं स्टोन है। चलो होपफुली मिल जाए ड्रॉप, और मुझे लगता है इस बार कुछ बढ़िया वाला मिलने वाला है, देखते हैं क्या मिलता है। कहाँ गया ये? अच्छा हो रहा उधर। ये क्या था, ये क्या था, और सामने क्या है, सामने पैरासोर, पैरासोर नहीं है भाई, वो रैप्टर है। इधर से चलो, इधर से एग्रो तो होने का चांस है उसका, टिक रैप्टर था वो। यार बंदे को प्यासी लग जाती है बार बार, आ तो नहीं रहा है, नहीं नहीं आ रहा है। अब बताओ इसके लिए 55 लेवल चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपी वगैरह बढ़ा लूँगा मैं अपना, ताकि मेरा लेवल वगैरह जल्दी से अप हो सके, नहीं तो मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अभी बताओ मेरे पास मेटल है, लेकिन अगर मैंने मतलब थोड़ा सा लेवल वगैरह होता मेरे पास, तो मैं हैचेट और पिकेक्स वगैरह बना लेता ईजीली। तो आई थिंक कि लेवल 2 ने जो अपना एपिसोड 2 है वो नॉर्मली रहने वाला है, एंड एपिसोड 3 में हम बहुत ज़्यादा धूम मचाएंगे, लाइक कुछ बढ़िया वाला करेंगे, या तो बढ़िया कुछ टेम करेंगे या बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे, लाइक कुछ तो करेंगे, लाइक बढ़िया वाला कुछ करेंगे। एपिसोड 2 तो अपना कुछ सही नहीं रहा,
इसमें कुछ किया ही नहीं भाई, इसमें बस पानी से परेशान रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक्सपी वगैरह बढ़ाने वाला हूँ, लेवल नहीं बढ़ाऊँगा मैं अचानक से। देखो भैया सी मरा ये मुझे मारने आ गया, तो मैं अचानक से लेवल वगैरह नहीं बढ़ाऊँगा मतलब फेक तरीके से, लेकिन मैं एक्सपी वगैरह बढ़ा लूँगा जल्दी से जल्दी जल्दी मेरे लेवल्स वगैरह बढ़ सके। तो चलो इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि कुछ करने को है नहीं भाई, और मैं आप देख ही पा रहे हो मैं ज़्यादा कुछ दूर वगैरह जा नहीं पा रहा हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लाइक मैं तो बार बार पानी पियो इधर मरो, तो भाई एक्सपी वगैरह बढ़ा लेंगे थोड़ा सा एंड तो लेवल अप होगा तो खेलने में मज़ा आएगा। अभी तो देखो 15 लेवल है, दूसरा दिन हो गया आज हमारा और बहुत स्लो लेवल अप हो रहा है, वो पता नहीं क्या है ऊपर में, लग रहा है कुछ किसी का बेस जैसा फाउंडेशन जैसा लग रहा है। तो वैसा सीन है, जब तक हमारे पास कोई अच्छा डाइनो ना हो या फिर और पानी का कुछ जुगाड़ ना हो बढ़िया वाला, तो फिर कुछ खास नहीं हो सकता। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।